हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो गाइस अब आ गए हम पार्ट सिक्स पे अपने और इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अब ये वेरिएबल्स कांस्टेंट्स आपके मैथ्स वाले नहीं है पाइथन वाले हैं पर बहुत ज्यादा सिमिलर है जैसे कि आपके मैथ्स में वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही ये भी पाइथन के अंदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स हैं ठीक है देखते हैं कि क्या है वेरिएबल्स एंड सो स्टार्ट विद वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं ठीक है सो अ वेरिएबल इज अम्ड लोकेशन टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी अब क्या है वेरिएबल एक लोकेशन है एक नाम दिया हुआ लोकेशन है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में मतलब एक जगह है जहां पे हमने डेटा को स्टोर किया मेमोरी में अब उस जगह को जो नाम दिया गया है वो क्या है आपका वो वेरिएबल है ठीक है इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज अ कंटेनर दैट डेटा दैट कैन बी होल्डाज लेटर इन द प्रोग्राम तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो डेटा को होल्ड करता है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं जब भी हमारी मर्जी हो प्रोग्राम में आगे जाके जब भी हमारी इच्छा हो तब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं अब एक पॉइंट नोट करने का जो इसको डिफरेंट बनाते हैं अदर लैंग्वेजेस से मतलब सी से ठीक है इन पाइथन वी डोंट एक्चुअली असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल मतलब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते हैं पाइथन में क्या करते हैं इंसटेड पाइथन गिव्स द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या वैल्यू टू द वेरिएबल अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो तो जैसे मैंने लिखा एक वेरिएबल ए आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है एक वेरिएबल लिखा ए है ना इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 2 ठीक है अब ये एक वेरिएबल है इसको मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी टू तो ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है जैसे कि सी में ऐसा होता है कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ठीक है बट क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर ऐसा होता है कि हम ये जो टू है ये मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर करते हैं सपोज ये हमारी मेमोरी है ठीक है ये हमारी कुछ भी मेमोरी है मेमोरी में मैंने इस ब्लॉक में अपनी वैल्यू स्टोर कर दी टू ठीक है ये मेरा ब्लॉक है यहां ब्लॉक में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी टू नाइस यहां से भी अब वो हो गया चलो एक बार फिर से, से बनाता हूं पूरा ब्लॉक पूरा ही ब्लॉक फिर से बनाता हूँ ठीक है तो सपोज ये मेमोरी है मेरी ठीक है दिस इज मेमोरी अब मेमोरी में आपने एक ब्लॉक बनाया ठीक है और इस ब्लॉक में वैल्यू दे दी टू ठीक है ये ब्लॉक में वैल्यू दे दी टू अब इस ब्लॉक का जो रेफरेंस है मतलब ये ब्लॉक कहां लोकेटेड है ये एक्चुअली स्टोर होगा इस वेरिएबल में दैट इज ए ठीक है तो पाइथन में कुछ इस तरीके से होता है अभी तो फिलहाल आप ये समझिए जैसे कि मैथ्स का वेरिएबल होता है कि आप एक कोई भी अल्फाबेट प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है जो कुछ वैल्यू होल्ड करेगा वही आपका वेरिएबल है अब वेरिएबल्स को बिल्कुल एज इट इज मैच करिएगा लिटरल्स के साथ सॉरी लिटरल गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने आइडेंटिफायर्स के साथ जो आइडेंटिफाइज हमने सब प्रीवियस वीडियो में देखा है ना तो अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हैं तो एक बार गई प्लेलिस्ट देखिए पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्लास नाइन्थ की ठीक है जिसमें सब कंटिन्यूड चल रहा है तो इससे पहले पार्ट सिक्स से पहले पार्ट फाइव एक एग्जिस्ट एक करता है जिसमें मैंने आपको बताया है अबाउट योर आइडेंटिफाइस एंड की तो उसमें जो हमने आइडेंटिफाइज जितने भी रूल्स या प्रॉपर्टीज वगैरह देखी है वो सब यहाँ वेरिएबल्स में अप्लाई होती है ठीक है तो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए पाइथन के अंदर ठीक है अब वेरिएबल बनाते समय जो भी रूल्स रूल्स होते हैं वो सब एज इट इज बिल्कुल सेम होते हैं जो के होते हैं तो वो सब रूल्स यहां आइडेंटि फॉलो होंगे ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब असाइन कैसे कर सकते मतलब अब हमने वेरिएबल बना तो लिया वेरिएबल को बना लिया परफेक्टली बना लिया अब वैल्यूज कैसे असाइन करें सो असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स इन पाइथन

हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को ये सीखेंगे और फिर एक सेम वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं वो सीखेंगे तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट ठीक है चले तो ये हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन में चल के देखेंगे तो यार ये हो गया हमारा वेरिएबल्स का पार्ट फटाफट कॉन्स्टेंट कवर करते हैं कर फिर चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे ठीक है ना वॉट आर कॉन्स्टेंट्स सो कॉन्स्टेंट्स अंस्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ऐसे तो टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ठीक है मैथ्स में आपने काफी सारे आ, पढ़े हुए हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती ना वही सब यहां पे वही कॉन्स्टेंट ठीक है इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ कॉन्स्टेंट एज कंटेनर दैट दैट होल्ड इंफॉर्मेशन विट कैन नॉट बी चेंज लेटर तो इसको एक कंटेनर की तरीके से ही मानिए जो वैल्यूज को होल्ड करता है पर उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते आप ठीक है अब जैसे एक ओपन कंटेनर है तो उसका तो कभी भी खोला उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो चेंज कर दिया कभी भी कुछ भी रख दिया और एक सील्ड कंटेनर है उसको कभी तो चेंज कर सकते हो क्या अब उसे ब्रेक कर दो ठीक है तो उसको उस तरीके से आप समझिए ठीक है यूज कैपिटल लेटर्स पॉसिबल टू डिक्लेयर अंस्टेंट एक्चुअली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ठीक है तो यहां पे ये है यूज कैपिटल लेटर्स टू डिक्लेयर ये पॉसिबल वर्ड इज रॉन्ग इसको यहां पे रब कर दीजिए ठीक है रबिटल लेटर्स टू डिक्लेयर अंस्टेंट सो कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए आप हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करिए ऑल लेटर्स कैपिटल मतलब अपर केस का यूज करिए सो टू करिएयर कॉन्स्टेंट इन पाइथन ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको कॉन्स्टेंट से और वेरिएबल सॉरी वेरियबल से कॉन्स्टेंट से राइट right? ठीक है अब एक चीज का नोट करिएगा इन रियालिटी वी डोंट यूज कांस्टेंट्स इन पाइथन एक्चुअली में पाइथन में कॉन्स्टेंट्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ठीक है मतलब अदर लैंग्वेजेस में एक कंसेप्ट एक्जिस्ट करता है कि आप कांस्ट की का यूज कर लोगे तो आप उनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं कर पाओगे वेरिएबल्स की ठीक है पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है पाइथन में ठीक है नेमिंग देम इन ऑल कैपिटल लेटर्स इज अ कन्वेंशन टू सेपरेट देम देरिएबल हाउ एवर इट डज नॉट एक्चुअली डिवेंट रीअसाइनमेंट तो जो कैपिटल लेटर्स मैंने यहां बताया है आप कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हो ठीक है डिफरेंशिएट करने में कि ये वेरिएबल है और ये कॉन्सेंट है डिफरेंशिएट करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको रीअसाइनमेंट से रोक देगा इसे हमारे पास बहुत लैंग्वेजेस में ऐसा केसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम कुछ भी कीवर्ड्स का यूज़ करके कुछ सिचुएशन को यूज़ करके हम वेरिएबल्स को ऐसा कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज चेंज ना कर पाए कोई भी रीअसाइन ना कर पाए पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है ठीक है पाइथन में ऐसा कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है और दो, फिर भी आप कॉन्स्टेंट क्रिएट कर सकते हो मतलब एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो सपोज आपने पाई की वैल्यू तो तो सबने पढ़ी राइट सपोज मैंने पाई ऐसे कैपिटल कैपिटल पी और आई बनाया अब इसकी वैल्यू मुझे थ्री पॉइंट वन फोर कुछ होती है ठीक है ये वैल्यू मुझे इस पाई में स्टोर करनी है और ऐसा स्टोर करना है कि कोई इसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए यूज कर पाए पर चेंज ना कर पाए मतलब ये सिर्फ रीड ओनली होना चाहिए इसमें राइट नहीं करने का फीचर होना चाहिए मतलब इसको कोई चेंज ना कर पाए ठीक है तो ऐसा पाइथन में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता पर मतलब बाई डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है पाइथन में करता करता है बट डिफॉल्ट नहीं करता। हमें एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है जिसका नाम है आपका पी का लाइब्रेरी अब पी कॉन्स्ट लाइब्रेरी को हम पहले क्या करेंगे पहले तो इंस्टॉल करेंगे पिप की मदद से पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे ठीक है ठीक है तो P const में से कॉन्स्ट को हम इंस्टॉल uh, करेंगे फिर सॉरी एक्चुअली पी कॉन्स को पूरे को इंस्टॉल करेंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे const को, ठीक है? फिर इंपोर्ट करेंगे कॉन्स को और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी मदद से आप कॉन्स्टेंट बना सकते हो मतलब ये बेसिकली लाइब्रेरी आपको कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करेगी, ठीक है तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं अगेन चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे बल्कि एक काम करते हैं चलते ही कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं अबाउट वेरिएबल्स कैसे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं ठीक है क्या रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना है तो वो देखते हैं फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कॉन्स्टेंट्स देखते हैं कॉन्स्टेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं ठीक है चलिए फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए ओके गाइज सो अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानेंगे अबाउट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ठीक है तो फटाफट -फड़ चलते अपने वी एस कोड में तो यहीं डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करूंगा राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और डेस्कटॉप में ही विजुअल स्टू सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूंगा ये मेरी एक ऑलरेडी फाइल खुली हुई है उसको मैं डोंट सेव करके बंद कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही मैं एक अपना फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इसका नाम टेस्ट ही दे देता हूँ चलो टेस्ट डॉट पी वाई एज यूजल वही नाम टेस्ट डॉट पी वाई एंटर किया तो टेस्ट डॉट पी वाई आपका ओपन हो गया ठीक है हमारा ये टेस्ट डॉट पी वाई फाइल ओपन हो गई अब इसके अंदर हम जानेंगे अबाउट वेरिएबल्स एंड कॉन्सटेंट तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आइडेंटिफायर के बारे में देखा था ठीक है तो आइडेंटिफायर्स के सारे रूल्स यहां पे एप्लीकेबल है वेरिएबल्स में ठीक है सारे रूल्स तो वो रूल्स मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा हम कुछ नए रूल्स के बारे में जानेंगे ठीक है तो सबसे पहले एक वेरिएबल ही बनाया तो सपोज मैंने बनाया नंबर ठीक है जो एक कीवर्ड नहीं है डेफिनेटली मैं असाइन कर सकता हूँ उसको नंबर इज इक्वल टू सेवन मैंने एक वेरिएबल बना दिया ठीक है ऐसे ही सपोज मैंने वेबसाइट इज इक्वल्स इक्वल डॉट कॉम ठीक है मैग्नेट्स डॉट कॉम बना दिया वेबसाइट एक मैग्नेट बेन्स डॉट कॉम बना दी वैसे ही हमारी वेबसाइट है इसको विजिट जरूर करिएगा ठीक है मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम सो नंबर सेवन वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम बना दिया अब इसको रन किया तो क्या रन होगा देखते हैं ये परफेक्टली रन होगा विदाउट एनी एरर रन हो गया अब मैं चाहूं तो इनको प्रिंट भी कर सकता हूं तो अब यार प्रिंट करते समय देखिए प्रिंट प्रिंट फंक्शन में हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम दबाते हैं तो हमको यहां क्या डालना होता है हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और जो भी लिखते हैं तो जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है राइट जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है जैसे कि अगर मैं अभी ये जो भी एज इट इज लिख दिया है सब उसे काम करता तो हूँ अपना नाम लिख देता हूँ लिखा अब मैंने इसको रन किया तो डेफिनेटली रन हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा तो जब भी मैं ऐसे कुछ इन्वर्टेड गॉर्मस के अंदर लिख के आ, प्रिंट करता हूं तो वो प्रिंट हो जाता है पर जब भी मुझे एक वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है मुझे ये इन्वर्टेड गॉर्मास नहीं लगाने हैं मुझे बस ब्रैकेट्स लगाने हैं ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ प्रिंट करनी हो उस वेरिएबल का नाम लिखना है जैसे कि मुझे नंबर प्रिंट करना है और नंबर मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वी एस केड़ की ब्यूटी है कि जो भी वेरिएबल्स मैं बनाऊंगा वो सब मुझे पॉपअप में दे देगा वो ठीक है मतलब मुझे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू दे, दे देगा जिसमें वो सारे ऑप्शंस होंगे अब मैं टैप दबाऊंगा मेरे पास नंबर आ जाएगा इसको कंट्रोल ऑल्ट एन करूंगा और वो मैं रन कर लूंगा देखो सेवन सेवन आपका रन हो गया परफेक्टली ठीक है अब मुझे सपोज कुछ और चाहिए तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ प्रिंट ही करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वेबसाइट डाल देता हूँ सपोज

ठीक है अब ये बंद तो गया इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे प्रिंट फंक्शन को हमेशा कॉल करना पड़ेगा ऐसे नंबर्स और वेबसाइट के फॉर्म में तभी वो प्रिंट होके डिस्प्ले होगा ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं जो हमने इंस्टेंस में भी देखा था वो सब रूल्स वेरिएबल के जो भी इंस्टेंस के रूल्स थे ना बनाते समय वही सेम रूल्स यहां पर भी फॉलो होंगे तो वेबसाइट बनाते समय उन रूल्स का ध्यान रखिएगा कि वो फॉलो करिएगा

वेबसाइट प्रिंट होना चाहिए अभी हम मैंने नंबर को प्रिंट नहीं किया तो अभी फिलहाल आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या आना चाहिए आंसर तो फिलहाल आपका सेवन और मैगनेट डॉट कॉम ही आंसर आना चाहिए पर अब इसके बाद जब मैं करूंगा, जब इसके बाद बाद जब जब मैं मैं प्रिंट प्रिंट करूंगा करूंगा नंबर को ही ठीक है तो देखिए क्या आएगा तो एक्चुअली में पहले सेवन आएगा फिर मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम आएगा बट फिर एलेवन आएगा तो एक्चुअली में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब मर्जी चाहे तब चेंज कर सकते हैं ठीक है जब मर्जी चाहे तब आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे करेंगे तो तो जब जब आप जब भी चेंज करने के बाद उसको प्रिंट तो वो वैल्यू प्रिंट होगी ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है तो कहीं तो हो गया आपका अबाउट सम वेरिएबल्स की कैसे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ठीक है आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी ठीक है अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि सपोज मैंने बनाया बी दो वेरिएबल्स वेरियबल्स बनाया बी और इक्वल्स टू लिखा मैंने इक्वल्स टू क्या लिखा सबसे पहले मैंने लिखा हेलो और फिर लिखा आ, क्या लिखो चलो टू पॉइंट टू लिखो हेलो टू पॉइंट टू ठीक है अब ये जो मैंने बनाया ये क्या बना है मैंने सिंगल लाइन में दो वेरिएबल्स को बनाया और उनको वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी है ना एक को स्ट्रिंग हेलो दे दिया एक को 2.2 दे दिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चिंता मत करिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले लिटल्स में पढ़ेंगे फिर डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे hmm. दो जगह पढ़ेंगे इनके बारे में जो मैंने अभी वर्ड्स बोले फ्लोटिंग पॉइंट और जो मैंने स्ट्रिंग बोला उन सबके बारे में ठीक है चिंता मत करिए अब फिलहाल ये समझिए कि दो वेरिएबल्स मैंने बनाए उनकी वैल्यूज यहीं पर दे दी क्या यह रन होगा यस बिल्कुल रन होगा विदाउट एनी एरर सब रन होगा अब मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने प्रिंट कराया प्रिंट कराया पहले ए प्रिंट करा दिया और फिर प्रिंट कराया इसके अंदर प्रिंट करा दिया बी ठीक है और मैंने कंट्रोल एंड किया देखो तो हो गया हेलो टू पॉइंट ओ करना था टू पॉइंट ओ ठीक है तो ये आपका तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स uh, को एक सिंगल लाइन में अलाइन कर सकते मतलब वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे मतलब तो सपोज मेरी अब इच्छा है तो मैं काम करता हूँ इसको नाम देता हूँ सी कॉमा डी कॉमा ई है ना और इसमें देता हूं मैं वेलकम uh, है ना और ये हो जाएगा टू इंटरचर वाला टू वेलकम टू वेलकम टू मैग्नेट ब्रेड ठीक है ओ डब्ल्यू वेलकम डबल डब्ल्यू आ गए डबल डब्ल्यू आ गए ठीक है चलो ये चीज सही है अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं सपोज मैंने कहा प्रिंट सी फिर मैंने लिखा प्रिंट डी फिर मैंने लिखा प्रिंट ठीक है और एन किया क्या रन होगा रन होगा Hello, Welcome to Magnet Brains. देखो perfectly run हो गया तो मैं इस तरीके से single line में multiple variables की values को प्रोवाइड कर सकता हूं असाइन कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई एरर नहीं आएगी परफेक्टली चलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन में वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते ठीक है आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी ठीक है इसको करते हैं बंद ठीक है और देखते हैं कि क्या हम अलग अलग वेरिएबल्स की सेम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि काम करता कर देता हूं, suppose, क्या है, होगा? होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के सब रन होगा एक्स इज इक्वल टू वाईक आइडेंटिकल है रन होगा अब इसको प्रिंट करके देखते हैं सपोज प्रिंट अभी काम करता हूं प्रिंट को कॉपी पेस्ट मारता हूँ आपको काम दिखाता हूँ बहुत अच्छा वी एस कोड का अच्छी फीचर यार बट कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे अलग अलग प्रिंट करने हैं तो एक्स वाई और जेड अलग अलग प्रिंट करने हैं। फायदा नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं ठीक है तो एक्स वाई जेड मैंने प्रिंट कर दिया बट क्या ये रन होगा डेफिनेटली रन होगा कंट्रोल ऑल टेन करेंगे रन होगा आइडेंटिकल 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 सेम वेरिएबल है मतलब आपने क्वान्टिटी बना दी आइडेंटिकल और तीन अलग अलग रेफरेंस दे दिए जो इसी सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर, कर रहे हैं ठीक है उसी को तीनों एक्चुअली उसको रेफरेंस कर रहे हैं ठीक है तो वो सेम ही होगा एक तरीके से तो सेम प्रिंट हो गया सेम नाम दे दिया अब मैं चाहू तो इनको मतलब नाम चेंज कर सकता मतलब वैल्यू चेंज कर सकता हूँ बोल देता हूँ सपोज में डिफरेंट अब मैं अगर प्रिंट करूंगा एक्स को प्रिंट एक्स तो क्या रन होगा कंट्रोल ऑल टेन यस बिल्कुल रन होगा अब देखो डिफरेंट हो गया ठीक है अब एक्स डिफरेंट हो गया अभी तक आइडेंटिकल था अब डिफरेंट हो गया ठीक है सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम आ, कैसे हम वेरिएबल्स को पहले तो वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स बना कैसे सकते हैं वैल्यू कैसे दे सकते हैं प्रिंट कैसे कर सकते हैं वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं फिर सिंगल लाइन में कैसे वेरिएबल्स को बना सकते हैं फिर मल्टी लाइन सॉरी सिंगल लाइन में ही हम अलग अलग वेरिएबल्स को कैसे सेम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आई होप ये चीज समझ में आई होगी और उसको भी बना के हम चेंज कर सकते हैं आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी और चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है तो यार ये हो गया हमारा कुछ पार्ट जिसमें हमने जाना अबाउट अबाउट योर वेरिएबल्स अब चलते हैं कॉन्स्टेंट की तरफ तो कॉन्स्टेंट ये है कि कि हमने पढ़ा तो है किस टू थ्री पॉइंट वन फोर कैपिटल लेटर्स में पाई बनाया थ्री पॉइंट वन फोर रन हो गया बिल्कुल रन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रन हो जाएगा प्रिंट किया पाई को ठीक है प्रिंट किया पाई को बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा देखो थ्री पॉइंट वन फोर प्रिंट हो गया पर बात यह है कि मुझे इसको चेंज नहीं करना मतलब अलाउ नहीं होना चाहिए चेंज करना क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंट बनाया तो क्या देखते हैं चेंज कर सकता हूं मैं इसको एज इक्वल्स टू क्या मैं इसको थ्री प्रोवाइड कर सकता हूं क्या ये रन होगा बिल्कुल रन हो जाएगा यार ये चेंज हो जाएगा और प्रिंट करेंगे प्रिंट भी अब चेंज होकर आएगा पाई ठीक है ये मैंने प्रोवाइड किया देखो चेंज हो के आगे थ्री आगे प्रिंट होके अब इससे मुझे बचना है भाई इससे तो फायदा नहीं हुआ बनाने का तो वेरिएबल ही बना दिया मैंने कैपिटल लेटर्स में बस जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्चुअली वहाँ वेरिएबल ही बनाते हैं ठीक है तो बट इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग वॉट यूजिंग एन सॉरी यूजिंग अ लाइब्रेरी ठीक है तो अब उस लाइब्रेरी को हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा तो कमांड प्रॉम्प्ट में चले क्या या कमांड प्रॉम्प्ट में चलने के बजाय आप वी एस कोड में ही टर्मिनल को खोल लीजिए ना टर्मिनल खोलिए यहां पे आपके पास ऑप्शन है सारे ठीक है जो भी आपको सॉरी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, है सारे जो भी आपको चाहिए पावर शेल खोल लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए जो चाहे आप खोल लीजिए

P -const मुझे इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल पी कॉन्स लिखूंगा और सिर्फ फाइव पॉइंट थ्री केबी की फाइल है छोटी सी फाइल है फटाफट हो जाएगी आपकी अब ये हो गया अब इसको रन करके देख लीजिए क्या आप इसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं ठीक है तो एक्चुअली पी कॉन्स मुझे पूरा नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे फ्रॉम पी कॉन्स्ट मुझे सिर्फ चाहिए फ्रॉम पी कोस्ट इम्पोर्ट कॉन्स्ट ठीक है तो क्या ये रन होगा देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट एन करते हैं क्या ये रन होगा देखो परफेक्टली रन हो गया कोई एरर ही नहीं आया कोई एरर नहीं आया मतलब परफेक्टली आपका रन हो गया ठीक है विदाउट एनी एरर ये परफेक्टली रन हो गया ठीक है अब क्या करता हूं अब मैं वेरिएबल बनाता हूं अब जैसे मैंने पाई बनाया था पाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर ठीक है ये चला था बिल्कुल चला था विदाउट एनी एरर इस चला था कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी चला था ये ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब चला था ठीक है आई डोंट नो क्यों एरर आ रहा है आई थिंक सो शायद इंपोर्टेड pconst invalid syntax अच्छा सॉरी क्या लिखा मैंने import const pconst तो देखो रन हो गया इंपोर्ट तो हो गया चल जाएगा ठीक है uno क्यों एरर आ रहा है यहाँ प्रॉब्लम कुछ दिखा रहा है import pconst cannot be resolved by pylance चलो ठीक है कोई बात नहीं अभी फिलहाल रन करके देखते हैं रन हो जाना चाहिए कंट्रोल ऑल्ट 10 करेंगे रन हो रहा है अभी फिलहाल ये राइट मोस्ट प्रोबब्ली आगे भी रन हो जाना चाहिए देखते हैं चलो तो ये आपका पाई चल गया पाई 3.14 हो गया अब देखो केस ये है कि इसको मैं चेंज कर सकता हूं पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट है ना डॉट पाई कॉन्स डॉट पाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट बनाऊंगा अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो अब अगर मैं ये कोशिश करूं अब देखो अभी पहले फिलहाल यहां तक रन करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर मैं अब कॉन्स डॉट पाई को चेंज करने की कोशिश करूंगा थ्री में तो क्या चेंज कर पाऊंगा नहीं है। अब एरर आ जाएगा क्या देखो एरर देखो पी कॉन्सेंट एरर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट एडिटेबल कि इसको आप एडिट नहीं कर सकते पाई को दिस इज नॉट अलाउड ठीक है तो ये एरर आ जाएगा आपके पास जब आप इसको एडिट करने की कोशिश करोगे अब गई एक बात को समझिएगा कि जो कॉन्स डॉट पाई आप बना रहे हो पी आई पाई जो बना रहे हो कॉन्स डॉट पाई ये वेरिएबल अलग है और ये पाई अलग है तो एक्चुअली में जो आपने पाई बनाया है ये आपका वेरिएबल है और ये जो आपने कॉन्स है, ये आपका है। इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है अब सपोज मैं पाई को चेंज करने की कोशिश करता हूं तो पाई में परफेक्टली चेंज कर पाऊंगा सपोज मैंने थ्री लिखा तो पाई में परफेक्टली चेंज कर पाऊंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम अभी फिलहाल इसको हटा देता हूं क्योंकि ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं अब देखिए इसको मैंने रन किया देखिए रन हो गया चेंज हो गया परफेक्टली पाई चेंज हो गया बट कॉन्स डॉट पाई को चेंज नहीं कर पाओगे अब प्रिंट करके देखते हैं ये देखने के लिए क्या डिफरेंट है भी या नहीं है ठीक है तो सपोज मैंने लिखा पाई पहले पाई प्रिंट कर लेते हैं और फिर फिर प्रिंट करते हैं कॉन्स डॉट पाई ठीक है तो यह आपने करा तो यह आपका देखो क्या हो गया यह आ गया थ्री और थ्री पॉइंट वन फोर तो एक्चुअली में देखो जब आपने पाई लिखा तो पाई तो थ्री है पर क्या है? वो थ्री पॉइंट वन फोर है और वो एक कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं हो सकता ठीक है तो इस तरीके से जब भी आप वेरिएबल का यूज कर रहे हो मतलब जब भी आप ऐसी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हो सिंपली एक वेरिएबल बना रहे हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो भले ही आप कैपिटल लेटर में बनाओ अब सपोज मैं यहां पे जाऊंगा तो मुझे होवर करूंगा तो दिखा रहा है यहां पे कॉन्स्टेंट पाई जिसकी फ्लोट वैल्यू है ठीक है ये दिखा रहा है पर ये नहीं इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कॉन्टेंट का मतलब ये कि रीअसाइनमेंट नहीं होना चाहिए राइट बट मैं कर पा रहा हूं तो इसीलिए एक लाइब्रेरी है ये पाई कौन पता नहीं क्यों येलो लाइन आ रही है आई डोंट नो इसको मैं रिजोल्व करता हूँ आई थिंक सो रिपोर्ट मिसिंग इम्पोर्ट्स ठीक है पर मैं इसको परफेक्टली रन कर पा रहा हूँ ठीक है तो आई डोंट नो वट इज द प्रॉब्लम कभी कभार ऐसे देती है प्रॉब्लम्स ठीक है चलो छोड़ो उसको हमारे फिलहाल तो परफेक्टली रन हो रहा है ना उससे हमने मतलब है चलिए तो ये आपका रन हो गया परफेक्टली ठीक है सो ये आपका चीज़ें चल गई और इस तरीके से आप काम कर सकते हो ठीक है तो जब भी आपको कॉन्स्टेंट बनाना है चाहते हो कि किसी का वैल्यू चेंज ना कर पाए कोई तो इस तरीके से लाइब्रेरी का यूज़ करके बना सकते हैं आप लोग ठीक है सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा आपने इन्जॉय किया होगा इसको ठीक है चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल ओके okay, मैंने सेव ही नहीं किया था इसको सेव तो कर ही लेते हैं ओके okay, नहीं डोंट सेव कर देते हैं ठीक है डोंट सेव करके मैंने बंद कर दिया सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की प्रैक्टिकली ठीक है अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है वीडियो कंप्लीट करते हैं चलते हैं अपनी स्लाइड पर चलिए आई होप गाइज आपको प्रैक्टिकली सब चीजें समझ में आ गई होंगी अब समझ में तो आ गई हैं पर एक होम असाइनमेंट जो करना है तो इस पार्ट में एक्चुअली आपके पास दो होम असाइनमेंट ठीक है एक तो बेस्ड है एक वेरिएबल पे पे बेस्ड बेस्ड है है अब बेस क्या है आपका होम असाइनमेंट तो बहुत इंटरेस्टिंग सा होम असाइनमेंट है आपको करना क्या है आपको इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को ढूंढना है गूगल पे जाके सर्च करना है या फिर आपके बुक में भी आप सर्च कर सकते हो इन सबके बारे में आप पढ़ चुके हो ठीक है तो इन सबके बारे में आपको ढूंढना है कि ये सब की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या है गूगल पे सर्च कर लोगे इट्स बेटर ठीक है तो गूगल पे इन सबकी वैल्यूज आपको सर्च करनी है और इनको कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है एंड इनको यूज करके देखना है कि क्या आप इनको प्रिंट करवा पा रहे हो ठीक है तो ये आपका सबसे पहला होम असाइनमेंट है तो सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ लाइट फिर ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट फिर एवोग्रोज नंबर फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ अच्छा सॉरी चार्ज लेक्ट्रॉन फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ ऑफ प्रोटॉन एंड मास न्यूट्रॉन आपको ढूंढना है और इनको कॉन्स्टेंट बनाना है है ठीक तो ये आपका सबसे पहला होम असाइनमेंट वन अब दूसरा होम असाइनमेंट क्या है तो यार दूसरा आपके पास होम असाइनमेंट है कि आपको वेरिएबल क्रिएट करना है क्या वेरिएबल क्रिएट करना है सो डिक्लेयर द अब वेरिएबल्स इन वन लाइन मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं नेम एज स्कूल इनको डिक्लेयर करना है ठीक है फिर इनकी वैल्यूज असाइन करनी है आपकी जो भी डेटा है मतलब आपका नाम क्या है आपका एज क्या है आपका स्कूल क्या है इनको वन लाइनर डिक्लेयर करके क्रिएट करना मतलब वन लाइन में नेम एज स्कूल और फिर आपको अपनी वैल्यूज इसको प्रोवाइड करनी है कि क्या क्या है ठीक है नेम क्या है एज क्या है स्कूल क्या है ठीक है तो सबसे पहला काम तो आपका इसमें ये हो गया वेरिएबल्स में सबसे पहले तो आप ये करोगे फिर क्या करोगे चेंज द वैल्यूज टू दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मतलब अब ये अभी तक आपने अपना नाम अपना एज अपना स्कूल डाला अब आपको अपने एक दोस्त का नाम उसकी एज और उसका स्कूल डालना है कोशिश करिएगा जो आपका दोस्त है वो दूसरे स्कूल का हो ताकि आप उसको चेंज कर सको ठीक है तो ये आपका काम हो गया फॉर योर असाइनमेंट टू होम असाइनमेंट टू ठीक है तो ये दोनों होम असाइनमेंट टू आपको करना है मुझे बताना है कि आपको कितना सक्सेसफुल रहेगा ठीक है चलिए इसके बाद गई जैसे मैंने आपको बताया था एक पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्ले लिस्ट करती है तो यूट्यूब पे जाइए टाइप करिए मैग्नेट ब्रेंस ए आई क्लास नाइन्थ जो पहली प्ले लिस्ट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी ए आई की फॉर क्लास नाइन्थ प्लेलिस्ट खुल जाएगी ठीक है इसमें आपको ए आई के कंसेप्ट तो मिलेंगे ही सारे थियरिटिकल साथ में प्रैक्टिकल इसी का पार्ट है साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपके स्कूल पेपर में आ सकते हैं तो एक बार इसको विजिट करिए और बताइए कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा ठीक है एंड ट्रस्ट मी गाइस ये आप यहाँ विजिट करके रिग्रेट नहीं करोगे ठीक है एक बार विजिट करके जरूर देखिए दूसरा ये कि यार हमारी एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है दैट इज मैग्नेट्रेंस डॉट कॉम गूगल पर टाइप करो मैग्नेट्रेंस डॉट कॉम जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे दिस इज अर होम पेज यहां पे आपको जो भी क्लास का जो भी वीडियो देखना है तो जैसे सपोज अभी हम क्लास नाइन्थ में तो क्लास नाइन्थ पे क्लिक करेंगे तो क्लास नाइन्थ पे क्लिक, क्लिक किया तो क्लास नाइन्थ के पूरा आपका क्या हो जाएगा पूरा जितने भी कोर्सेज माइगनेट बेन्स आपको ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे इसमें से फिर ए सेलेक्ट कर लो नीचे आ जाओ ये देखो ये ए एग्जिस्ट करता है ठीक है यहाँ एआई पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एआई की प्ले ओपन हो जाएगी अब जो भी वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक करो वो खुल जाएगी उसमें सारे ऑप्शन होंगे प्ले पॉज करने का आगे पीछे सारे ऑप्शन होंगे जो यूट्यूब पे होते हैं उसको आप यूज कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो वीडियो को ठीक है अब यूट्यूब पे क्यों हम नहीं जा रहे हैं यहाँ क्यों बनाया प्लेटफॉर्म तो ये आपके लिए बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पर्सों को बिना एड्स वगैरह के ठीक है और गाइस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई पेड वेड नहीं है जैसे यूट्यूब पर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहां पर भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है इस बार एक बार इसको एक, विजिट करिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा फीडबैक शेयर करिए हमारे साथ ठीक है और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंस का बने रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडर के गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर कोर्स में आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेल दिन गुड बाय थैंक यू वेरी मच